let's see the introduction to the poem. The poem The Lebanon Top is written by Ted Hughes. ये poem Lebanon Top Ted Hughes के द्वारा लिखी गई है. It is about a repaying relationship between the Lebanon tree and the goldfinch bird. तो वो जो पेड़ है लेबनम ट्री और गोल्ड फिंच बर्ड का नाम है उनके एक प्यारे से सुंदर से रिश्ते के ऊपर ये पोएम लिखी गई है. द ट्री इज़ येलो, पेड़ पीला है, साइलेंट खामोश है, एंड डेथ लाइक मृत्यु समान है, एंड इज़ मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस. लेकिन उसमें चहल पहल कब होती है उस पेड़ में, जब वो पंछी उसमें आता है और उसके बच्चे जो हैं यंग वंस वो उसमें उनका शेल्टर है, नेस्ट उनका बना हुआ है, तो उनसे इसकी खामोशी टूटती है. द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर ऑन द ट्री वेयर शी फीड्स हर यंग वंस. और जो पीला पंछी है उसका शेल्टर है वहाँ पर, नेस्ट बना हुआ है उस पेड़ के अंदर, और उसके छोटे छोटे बच्चे उसमें रहते हैं जहाँ पर ये उसको फीड कराती है, दाना पानी इनको देती है. बट एज सून एज द बर्ड लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई, लेकिन जब वो पंछी आसमान में उड़ जाता है, पेड़ को छोड़ देता है, द ट्री बिकम साइलेंट, तो पेड़ फिर से वापस से खामोश हो जाता है, एंड डेथ लाइक अगेन, और बिल्कुल मृत्यु समान सन्नाटा सा उस पर छा जाता है. यही बात इस पोएम के द्वारा हमें बताई गई है. देखिए मैंने एक तस्वीर डाली है इसके अंदर, लेबनम ट्री जो एक पीला पेड़ है और इसके जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, घना होता है काफ़ी, तो पॉइजनस होने की वजह से ज़्यादा बर्ड्स इसमें आते जाते नहीं है, ज़्यादा चहल पहल नहीं रहती है इसके अंदर. और साइड में एक पिक है, गोल्ड फिंच एक पक्षी है पीला, जिस पर येलो सॉरी ब्लैक कलर का स्ट्राइप्स हैं इसमें, तो इसलिए इसकी तस्वीर दी है कि जब रीडर्स इस पोएम को पढ़ेंगे तो वो उनके जहन में एकदम लाइव सी एक तस्वीर आएगी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और किसकी कहानी है. तो ये कहानी है लेबनम ट्री और गोल्ड फिंच बर्ड के बारे में. Now let's start the explanation of this poem. The laburnum top is silent, quite still, in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. Laburnum means amaltas ka ped hai, top uska upper part, choti, silent, noiseless, quiet, shant. और क्वाइट मीन्स कम्प्लीटली, पूरी तरह से बिल्कुल. स्टिल, स्टिल मीन्स है मोशनलेस, स्थिर, सनलाइट धूप है. येलोइंग मीन्स गेटिंग येलो, पीली हो रही है. और फॉलन मीन्स गिर चुके हैं. तो इसमें क्या बताते हैं कि द लेबनम टॉप इज़ साइलेंट, लेबनम टॉप जो है बिल्कुल खामोश है, कोई चहल पहल उस पर नहीं है, क्वाइट स्टिल, और वो बिल्कुल मूविंग नहीं है, मोशनलेस है, वो स्टिल है. इन द आफ्टरनून, दोपहरी है किसकी, येलो सेप्टेम्बर, यानी महीना चल रहा है सेप्टेम्बर का और वक्त है दोपहर का. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, धूप निकली हुई है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और कुछ पत्तियां भी अब पीली हो चुकी हैं. ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जो उसके सीड्स हैं बीज हैं वो धरती पर गिर चुके हैं. तो पूरी लाइन्स का यही इसमें एक्सप्लेनेशन है आपका कि सितंबर के महीने के तीसरे पहर की पीली धूप में अमलतास की चोटी शांत है, बिल्कुल स्थिर, क्वाइट स्टिल. इसकी कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं और इसके सारे जो बीज हैं वो गिर चुके हैं, चारों तरफ उसके बीज बिखरे पड़े हैं, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं. सी द नेक्स्ट लाइन्स ऑफ दिस पोएम. टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्वीचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and thrillings. The whole tree trembles and thrills. Hard words. Till, by the time, jab tak ki. गोल्डफिंच, अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स, यानी सोन चिड़ी. ट्विचिंग विद अ जर्क, एक झटके के साथ, झटकेदार. चिरप, चिरपिंग चहचहाहट. सडननेस, हैपनिंग एट वंस, अचानक होने का भाव. स्टार्टलमेंट, सडन शॉक,
चौंक जाने का भाव, सडन शॉक. एंड मीन्स छोर, किनारा. स्लीक, स्मूथ एंड शाइनी, चिकनी और चमकदार. लिजार्ड छिपकली, अलर्ट, विजिलेंट, सावधान, चौकन्ने. एब्रप्ट, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, एब्रप्ट. एंटर्स, कम्स इन है, एंटर मतलब प्रवेश करती है. और थिकनेस, थिकनेस मीन्स डेंसिटी, सघनता. चिटरिंग्स, चिरपिंग्स, चहचहाटे, ट्रेमर. क्विक मूवमेंट, तेज कंपन, थ्रिलिंग. और रिपीटेड शॉर्ट हाई साउंड, तेज स्वर कंपन. ट्रेम्बल्स मीन्स शिवर्स, कांप उठता है, हिल उठता है. और थ्रिल्स मीन्स रोमांचित हो उठता है. क्या कहते हैं पोइट, टिल द गोल्ड फिंच कम्स. गोल्ड फिंच के आने तक, यानी उसके आने से पहले तक कैसा रहता है अमलतास, एकदम शांत सा रहता है. विद ए ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टर्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड. लेकिन जैसे ही वो सोन चिड़ी उसकी किसी ब्रांच के किनारे पर आकर बैठती है अचानक से, तो उसमें एक चिरपिंग सी शुरू हो जाती है. अमलतास का जो पेड़ है सोन चिड़ी के आने तक शांत रहता है, लेकिन जब वो आती है तो एक शाखा के छोर पर एक झटके के साथ अचानक चहचहाती और चौंकाती हुई सी आती है. एकदम से खामोशी में बैठे हैं और कोई ज़रा सा भी शोर होता है तो जो सडननेस वाला वर्ड आता है, अचानक सब जैसे चौंक से गए, अचानक से देखते हैं कि क्या हुआ. अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड. ब्रांच के किनारे पर आकर वो बैठती है और एक हल्का सा शोर जो है चिरपिंग शुरू हो जाती है उसमें, प्यारा सा शोर जिसे कह सकते हैं. देन स्लीक एज अ लिजार्ड, और वो लिजार्ड की तरह ही चिकनी है, शाइनी है. एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, और छिपकली के समान पतली सी, चौकन्नी और अप्रत्याशित रूप में आ जाने वाली एक सोन चिड़ी है ये. तो क्या करती है ये, ब्रांच एंड हो गया, देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट. शी एंटर्स द थिकनेस, वो पेड़ की जो पत्तियाँ हैं अमलतास की, उसकी सघनता में वो प्रवेश करती है, उसकी जो डेंसिटी है, थिकनेस है, उसमें वो प्रवेश करती है. एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और क्या होता है, मशीन जो है एक स्टार्ट हो जाती है. मशीन किसको कहा है, उसके जो बच्चे हैं अंदर जो घोंसले में बैठे हैं और अपनी माँ को देखकर चहचहाने लगते हैं. तो इतनी खामोशी में जब ये प्यारा सा चिरपिंग सा शोर होता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन एकदम से स्टार्ट हो गई है, सब बच्चे उसके चहचहाने लगते हैं, माँ भी चहचहाने लगती है. तो उसकी वजह से एक शोर सा होने लगता है और पंखों के तेज कंपन की आवाज़ आती है. तो एक ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन का सिलसिला सा शुरू हो गया है. शी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स. तो ट्रेमर है, तेज कंपन होता है उसके जो विंग्स हैं उनमें, और वो थ्रिलिंग्स, रिपीटेड शॉर्ट हाई साउंड्स, तेज स्वर कंपन शुरू हो जाता है. तो इसका मतलब ये है कि जो खामोश सा एक पेड़ खड़ा था और जैसे ही वो बर्ड आई उसकी चहचहाट से और उसके बच्चे भी चहचहाने लगे और पंखों की आवाज़ से आने लगी, तो एक अच्छा खुशनुमा सा उसके अंदर माहौल जो है वो बन जाता है. तो सोन चिड़ी के आने पर पूरा का पूरा पेड़ जो है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ उसके बच्चों की तीखी चहचहाट से हिल उठता है और रोमांचित हो उठता है. बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बात को बयान किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि एक पेड़ में जो चहल पहल हो रही है उस बर्ड की वजह से किस तरह उस माहौल को खुशनुमा बना रही है. नेक्स्ट लाइन्स आर, इट इज़ द एंजिन ऑफ हर फैमिली, शी स्टॉक्स इट फुल, देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. हार्डवर्ड्स, स्टॉक्स एड्स फ्यूल टू फायर, आग में ईंधन डालती है, भोजन खिलाती है, मतलब उनको बच्चों को दाना पानी डालती है. फ्लर्ट्स आउट, फ्लर्ट्स आउट मीन्स हॉप्स, फुदकना, इधर उधर उड़कर इधर बैठती है कभी उधर बैठती है, तो फ्लर्ट्स आउट. ब्रांच शाखा, और शोइंग मीन्स मेकिंग क्लियर, दिखाते हुए. बार्ड मीन्स हैविंग स्ट्राइप्स ऑन इट, धारीदार. और आइडेंटिटी पहचान, मास्क कवरिंग, नकाब मुखौटा. तो पोएट क्या कहते हैं, ऊपर की पंक्तियों में उन्होंने कहा मशीन स्टार्ट्स और नीचे सोन चिड़ी को उन्होंने कहा इंजन, क्योंकि इंजन के बिना मशीन स्टार्ट नहीं होती, तो ये उसका इंजन है.
जैसे ही वो अपनी फैमिली के पास आती है एंजिन की तरह, तो वो उसकी फैमिली में बच्चों में जो शोर सा होने लगता है, चर्पिंग होने लगती है। इट इज़ द एंजिन ऑफ हर फैमिली, वो चलाती है सारे परिवार को, तो वो एंजिन है। शी स्टॉक्स इट्स फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, वह और अधिक शोर करना प्रारंभ कर देते हैं। एक्साइटेड होते हैं बच्चे अपनी माँ को देख के, चाहे इंसान हो चाहे फिर जानवर हो, फिर ये पंछी हैं, तो ये बच्चे जो हैं शोर करने लगते हैं। जैसे उनकी माँ आती है तो वो शोर करने लगते हैं। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर वो फुदक कर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जाकर बैठ जाती है और उनको दाना पानी करा के, और फिर वो अब उसको जाना है वापस। तो इसमें ये क्या करती है, जब वो उसको भोजन करा देती है तो लास्ट एंड दूसरी किसी ब्रांच पर जाकर वो बैठती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो फिर वो पीछे पलट कर अपने बच्चों की तरफ एक बार देखती है। देखिए कुदरत ने क्या कानून बनाया है कि बच्चे माँ को समझ रहे हैं और माँ बच्चे को, चाहे वो किसी भी स्पेशीज में क्यों ना हो। तो वो एक क्या दिखाना चाहती है, जाते जाते अपना चेहरा दिखा कर जा रही है सौंदर्या कि देखो ये मैं हूँ, और इस चेहरे के अलावा, इसके अलावा अगर कोई आए तो तुम उससे शोर नहीं करना, बल्कि ये मुझे तुम एक बार देख लो। और उसका चेहरा कैसा है, बार्ड मास्क, पूरा तो वो येलो है और ब्लैक कलर का, ऐसा लगता है जैसे उसने मास्क सा पहना हुआ है। और अब यही मास्क वो बताना चाहती है कि देखो ये मेरा चेहरा है और ये मेरी पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है। तो इन्होंने कहा लास्ट लाइन में कि शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो वो अपने बच्चों को जाते समय अपना चेहरा एक बार दिखाते हुए जाती है। नाउ हैव अ लुक ऑन द लास्ट लाइन्स ऑफ दिस पोएम। देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्पिटी। तो लास्ट वर्ड्स देखते हैं इसके, ईरी मीन्स स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, अद्भुत, रहस्यमय, और डेलिकेट मीन्स सॉफ्ट, नाजुक, हल्की, विसल या चिरप जो इन्होंने दिया है, चिरपिंग लाइक द साउंड ऑफ ए विसल, सीटी जैसी चहचहाट की आवाज़। विस्परिंग मीन्स वेरी लो साउंड्स, फुसफुसाहट जिसे कह सकते हैं, और लॉन्चेस अवे मीन्स फ्लाइज अवे, उड़ जाती है, लॉन्च कर जाती है। इन्फिनाइट एंडलेस अनंत टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ की ओर, सबसाइड्स यानी इज लेफ्ट, रह जाता है, एम्पिटी मीन्स खाली। फिर क्या होता है, देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स, तो फिर वो अद्भुत नाजुक सी सीटी जैसी चहचहाटों और फुसफुसाहटों के साथ वे क्या हो जाती है, अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है। शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, बच्चों को उसने दाना पानी दिया और फिर से वो अपने नए दाना पानी की तलाश में आसमान में उड़ जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्पिटी, और अमलतास फिर खाली रह जाता है। तो तन्हा था, तन्हा ही रह गया, लेकिन जिस वक्त वो पंछी जो सोन चिड़ी है, गोल्ड फिंच है, उस पेड़ पर आती है तो एक प्यारा सा खुशनुमा माहौल उस पेड़ पर बना देती है। और इसी छोटी सी घटना को बहुत खूबसूरत अंदाज में पोएट ने इस पोएम में हमें बताया है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।